प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो इक्वेशन डिराइव किया वो क्या है और आवृत्ति बढ़ाते तब क्या होता है, किसी फोटोन की तीव्रता बढ़ाई जाती तब क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा। स्पष्टीकरण में क्या है कि देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, इसलिए ये देखिए। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को सन 1916 में मुलिकोन ने सत्यापित किया। मुलिकोन को सजीव इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा आवृत्ति के मध्य आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ये रेखा बढ़ने पर एक अक्ष को जहां काटती हुई आवृत्ति न्यू नोड डेली आवृत्ति का मान छोटा है, इस रेखा का ढाल tan थीटा बराबर h प्लैंक स्थिरांक के समान है। मुलिकोन से h का मान निकाला तो 6.55 into 10 to power minus 27 आर्क into सेकंड आया, जबकि कृष्ण के विकिरण से h का वास्तविक मान 6.62 into 10 to power minus 27 आर्क into सेकंड होता है। देखो, यो इस ग्राफ की बात कर रहा था मैंने, किसके ये 19 मुलिकोन को सजीव इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। तो क्या किया कि ग्राफ यहाँ से नहीं चल कर यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक की तो कोई गतिज ऊर्जा थी ही नहीं, ये क्या था, कार्य फलन वोटर, ये दहली आवृत्ति, यहाँ तक की आवृत्ति की जो ऊर्जा थी दहली आवृत्ति। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन सतह पर आ गया और यहाँ से बाहर निकला तो एक सीधी रेखा मिले, तो ये स्लोप आ गया थीटा, टेन थीटा। अब मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ, न्यू फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर न्यू नोड है, अब मैं न्यू नोड पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूँ, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, इतनी सी ऊर्जा, ये आ गई दहली ऊर्जा की इक्वल। ये था गतिज ऊर्जा का अपने प्रकाश विकिरण के साथ परिवर्तन, गॉट इट, आ गया समझ में। अब देखिए कार्यफलन, कार्यफलन तथा आयनन विभव, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कार्यफलन कहते हैं, जबकि किसी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आप लोग एक गलती मत कर देना, वो ये क्या है कि कार्यफलन और आयनन विभव को एक ही मत समझ लेना। आप लोगों ने जब आवर्त सारणी या इनऑर्गेनिक पढ़ते थे उस टाइम पे आयनन विभव की डेफिनेशन पढ़ी होगी और मैंने आज आपको यह कार्यफलन पढ़ाया, दोनों में बहुत अंतर है। कार्यफलन तो किसी भी जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा काम आई, जितनी ऊर्जा देनी पड़ी न्यूनतम ऊर्जा सतह तक लाने, तो ये तो था, यही होता आयनन विभव। लेकिन आयनन विभव के लिए एक कंडीशन थी, विलगित परमाणु विलगित होना चाहिए, यहाँ परमाणु अलग ही नहीं है, वहां पर परमाणु अलग होना चाहिए और परमाणु विलगित गैसीय स्टेज में होना चाहिए, यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। और यदि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को उसी सरफेस तक लाने के लिए, यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ रही है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो दोनों में अंतर था, गॉट इट, अब मेरे अकॉर्डिंग ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति और उससे संबंधित ऊर्जा के क्वांटीकृत होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के बनाने में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के सेल टेलीविजन सेट, स्वचालित दरवाजे, चोरों के अलार्म, स्पेक्ट्रम दीप्तिमापी एवं कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में काम में आते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्लियर करने के लिए इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वह है धातु के लिए, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। उसने दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 into 10 to power minus 12 आर्क।
यदि न्यू नोड दिल्ली आवृत्ति है तो कार्य फलन क्या रहेगा, न्यू नोड बराबर एच न्यू नोड, डब्ल्यू नोड बराबर एच न्यू नोड, और न्यू नोड को अगर मैं लिखूं आवृत्ति को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आवृत्ति लैम्डा क्या रहती है, क्रमानुपाती, एच सी अपॉन लैम्डा न्यू नोड, जहां न्यू नोड दिल्ली तरंग धैर्य है। गॉट इट। अब देखिए न्यू नोड क्या है, दिल्ली तरंग धैर्य। अब इसको जो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वो है देखिए 6 नंबर 124। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सारा समझ में, न्यू नोड बराबर एच अपॉन डब्ल्यू नोड। अब मेरे पास एच दे रखा नौ ने, प्लैंक नियतांक सी जानते हो लाइट की वेलोसिटी, और है डब्ल्यू नोड, डब्ल्यू नोड दे रखा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, अर्ग में, अर्ग सा कट गया तो क्या आया मेरे पास एंगस्ट्रॉम में 5625 एंगस्ट्रॉम, अर्थात दिल्ली तरंग धैर्य का मान 5625 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसी धातु की प्रकाश विद्युत दहली तरंग धैर्य 2300 एंगस्ट्रॉम है, यदि 1800 एंगस्ट्रॉम के तरंग धैर्य वाले विकिरण उस धातु पर आपतित हो, कितने तरंग धैर्य 1800 आपतित हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। आइंस्टीन समीकरण से E=12mv² बराबर h न्यू नो माइनस न्यू नोड। अब मेरे पास दे रखी तरंग दे रहे तो मैं इसको उस फॉर्म में लिख लूंगा, सी अपन लैम्डा होता है तो सी कॉमन आ गया, तो एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट, मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1800 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा नोट की वैल्यू है एंड दहली तरंग दे रहे की वैल्यू 2300 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो जब भी एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग क्या करोगे, उसको 1.10 की पावर माइनस 8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई किया, इन सब वैल्यू को इसमें पुट किया, तो आपके पास जो एनर्जी आई है वो आई है 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। गॉट इट। ये था आपका न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं आप स्लाइड में, इसमें क्या है देखो, अब तक आप लोगों के जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था वो क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे परफॉर्म करता है, और दहली ऊर्जा क्या होती है, कार्य फलन क्या होता है, वगैरह वगैरह सब क्लियर हो गया, और इसके मैंने दो न्यूमेरिकल भी करा दिए। इसी के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों का पूर्ण हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वांटम में जो अपन नेक्स्ट प्रभाव पढ़ेंगे वो है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है इसको समझिएगा। सन 1923 में कॉम्पटन ने यह प्रदर्शित करके कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत भी एक वर्णी विकिरण के तरंग धैर्य में वृद्धि हो जाती है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनों की कणीय प्रकृति को प्रमाणित कर दिया। नोटेड। कॉम्पटन ने निश्चित तरंग धैर्य के एक ए वर्णी एक वर्णी इस तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी एक्स किरणों को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने या तो कार्बन था या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम आदि पर डाला, और एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर पाया कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है। इन कम आवृत्ति की रेखाओं को क्वांटम रेखाएं तथा इस परिघटना को क्वांटम प्रभाव कहते हैं। तरंग दैर्ध्य में ये विस्थापन डेल्टा लैम्डा क्वांटम विस्थापन कहलाता है। गॉट इट। तो इट मींस मतलब क्या था, ये प्रकीर्णन या प्रकीर्णन की बात कर रहा है। जैसे ही किसी भी ऐसी धातु पर डालेंगे इस बार ऐसे सरफेस पर जो विकिरण का क्या करता हो, प्रकीर्णन करता हो, तो मैंने जो एक कोणीय विकिरण ली है वो क्या ली, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, एक्सरे रेज ली। देखो ये उपकरण है, इसमें से एक वर्णी एक्सरे निकल रही है, और इसकी जो आवृत्ति है एच न्यू, ऊर्जा एच न्यू है तो आवृत्ति न्यू है, और यह जो मोनोक्रोमेटिक सरफेस है जिस पर ये फैलेगी, तो देखो ये
जैसे इस पर डाली ये प्रकीर्णित होगी। तो जिसमें टकराया ये देखो एंगल ऑफ स्कैटर्ड, ये एक्स अक्ष से कितना स्कैटर्ड हुआ, स्कैटर्ड फोटोन ये है, तो ऐसे टकराने जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ये है। गॉट इट? जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है फोटोन का वो थीटा है और ये है फाई। E डैश बराबर जो इसकी एनर्जी है उत्सर्जित स्कैटर्ड, सॉरी हाँ स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी डैश है, तो एच न्यू डैश हो जाएगी इसकी क्या, E डैश बराबर एच न्यू डैश, और ये E बराबर एच न्यू थी, और यह टारगेट था फिक्स था, टारगेट इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा ई नोट बराबर एम नोट सी स्क्वायर मोमेंटम है ना। अब इसका जो मोमेंटम जीरो है इसका मोमेंटम हो जाए एच न्यू अपॉन सी, इसका मोमेंटम है एच न्यू डैश अपॉन सी, और इसका मोमेंटम है एम वी, और ऊर्जा हो जाएगी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है ना। गॉट इट? ये इसका था आउटलाइन डायग्राम था। अब क्वांटम प्रभाव की जो व्याख्या करेंगे वो देखो कैसे करेंगे, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। गॉट इट? अब देखिए क्वांटम प्रभाव की व्याख्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण के चिरसम्मत, चिरसम्मत सिद्धांत से क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, अतः इसकी व्याख्या प्लैंक के क्वांटीकरण सिद्धांत, विकिरण की फोटोन प्रकृति है जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है से करते हैं। जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी दृढ़ इलेक्ट्रॉन ए से टकराता है तो उनमें बिलियर्ड गेंदों के समान परस्पर टक्कर होती है। इसमें टक्कर देने वाली गेंद एवं जिस गेंद से टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान होती है। अतः टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, इस प्रकार पूरे परक्रम में फोटोन की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इट मीन्स अगर पूरी की पूरी ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता तो फोटोन में खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों को गतिमान माना है इसलिए फोटोन की पूरी ऊर्जा स्थानांतरण नहीं हो पाई, तो इट मीन्स कुछ ऊर्जा स्थानांतरण होगी इसलिए उसकी ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई, अर्थात इस टक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं भी सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस फोटोन की मूल ऊर्जा एच न्यू रिकॉइल इलेक्ट्रॉन तथा प्रकीर्णित फोटोन में बट जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वे फोटोन पर प्रतिक्षिप्त होगा, प्रतिक्षेप ऊर्जा से प्रकीर्णन कोण निर्धारित होता है। ठीक है, क्वांटम प्रभाव को समझाने के लिए माना कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा एच न्यू वह संवेग एच न्यू अपॉन सी है एम नोट द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान क्या है एम नोट, टक्कर के फलस्वरूप फोटोन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, और इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये है इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक तथा अंतिम संवेग क्रमशः शून्य में पी है अर्थात एमवी। टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है, अतः टक्कर के उपरांत माना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एम सी स्क्वायर तथा संवेग एमवी हो जाता है जो एक्स अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। क्वांटम ने फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन टक्करों को पूर्ण तथा प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर तरंग दैर्ध्य में विस्थापन ज्ञात किया, तो निम्न प्रकार है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के बाद ऊर्जा, जो टक्कर के पहले ऊर्जा थी आने वाला फोटोन की एच न्यू थी, और जो स्थिर इलेक्ट्रॉन था एम नोड सी स्क्वायर होगी,
और उधर थी एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 33। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आपतित फोटोन की दिशा में, देखो कौन से प्रारंभिक संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, तो जो x घटक है मैं ले रहा हूँ x दिशा में, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा x घटक वो देखो प्रारंभिक संवेग रहेगा h न्यू अपॉन c प्लस जीरो बराबर h न्यू डैश c। उसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा h न्यू डैश अपॉन c का, cos थीटा वाला, तो cos थीटा प्लस एम वी cos phi। इसी प्रकार y घटक की बात करें तो h न्यू c sin थीटा माइनस एम वी sin phi, और इसको बदल दिया मैंने समीकरण 34। समीकरण 34 और 35 को व्यवस्थित करने पर, मैंने 35 और 34 को व्यवस्थित किया तो क्या हो गया एम वी सी, इसको मैंने देखो एम वी सी बराबर एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा एम वी सी साइन फाइव एच न्यू डैश साइन थीटा। ऊपर दोनों समीकरणों को वर्क करने पर मैंने इन समीकरणों को अरेंज किया और मैंने वर्ग किया इनका। जैसे ही मैंने इनको वर्ग किया देखो एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस, आप जानते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हो ना ए प्लस जो बी है उसका जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, अगर इसको ओपन खोले तो खोल लो ना, कह रहा था ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी प्रकार ये खुल जाएगा और समीकरण 33 से मेरे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू न्यू डैश, ये क्वेश्चन आ गई मेरे पास 36 वर्क करने पर। इसी प्रकार समीकरण जो 33 थी उसका भी वर्क किया तो मेरे पास ये आ गया, और समीकरण 36 और समीकरण 37 में से घटाने पर ये जो 36 है उसको मैंने 37 में क्या कर दिया माइनस कर दिया तो मेरे पास समीकरण 38 आई। सापेक्षवाद के सिद्धांत अनुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसके विश्राम द्रव्यमान में संबंध इस प्रकार है m बराबर m नोड अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट, नोटेड। अब मैंने इस 39 का भी वर्क कर दिया तो अंडर रूट हट गया, और समीकरण 40 से देखो वर्क करने के बाद समीकरण 40 से एम स्क्वायर का मान समीकरण 38 में रखने पर, 40 से मान मैंने 38 में रखा एम स्क्वायर का मान, मेरे पास जो वैल्यू आई वो ये चल रही है। इसको जैसे ही सोल्व किया इसको देखेंगे नेक्स्ट में, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ पहले, देखो यागी इक्वेशन 41 लैम्डा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कोस थीटा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा सदैव ही आपतित किरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से अधिक है लैम्डा डैश, इसके अतिरिक्त डेल्टा लैम्डा जिसमें तरंग दैर्ध्य विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यह आ गया यहाँ समीकरण 42, इसको मैंने लिख दी तो 2a साइन स्क्वायर, क्योंकि वन माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला था वो रखा था साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और लैम्डा को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, अतः परकिरण विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश हमेशा विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ कंडीशन रखी मैंने, यदि थीटा बराबर जीरो हो यानी कि प्रकीर्णन जीरो डिग्री हो अर्थात आपतित और प्रकीर्णन विकिरण समानांतर दिशा में हो तो विस्थापन क्या रहेगा लैम्डा में जीरो, अर्थात प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है यदि प्रकीर्णन थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात प्रकीर्णित विकिरण आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में जाता है, दोनों विकिरणों में अधिक से अधिक अंतर हो तब कोस थीटा बराबर कोस 90 बराबर जीरो, मैंने इसकी वैल्यू रखी ये तो मेरे पास आया 0.0। इसका प्रायोगिक मान
0.0236 एंगस्ट्रम आता है जो उपरोक्त मान से काफी सीमा तक मेल खाता है। आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए डेल्टा लैम्डा के मान के इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंग दे रहे हैं, क्वांटम कहते हैं। आप लोगों के कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंग दे रहे हैं, क्वांटम तरंग दे रहे किसे कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। यदि प्रकीर्णन कोण थीटा 180 डिग्री हो जाए अर्थात आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, तो देख फिर उसमें ये कंडीशन आ जाएगी थीटा 180 डिग्री, और जैसे ही 180 लगेगा, अरे काम कर, देखो ये कंडीशन थीटा जैसे ही हुआ होगा तो कितना की आ गई, इसका मतलब ये हुआ, इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में जो वैल्यू आई है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है वन मिनट वेट, वो शो कर रही है ये देखो, ये मान क्वांटम तरंग दिशा से दुगना है और थीटा का मान भी दुगना है, तो स्पष्ट है कि थीटा का मान जितनी वृद्धि होगी अनुपात उसी अनुपात में जो विस्थापन है तरंग दैर्ध्य विस्थापन मान में भी वृद्धि होगी। अब देखिए जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की भांति क्वांटम प्रभाव प्लैंक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करते हैं जिसके अनुसार विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालना संभव नहीं हो सकता। अब इसका ये जो एक न्यूमेरिकल है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।